अगर आप अपने फोन पे अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको फोन पे अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फोन पे अकाउंट को डिलीट करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके फोन पे वॉलेट में कुछ पैसे है तो उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, और अगर आपके फोन पे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लिंक है तो पहले उसे अनलिंक कर लीजिए। बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैसे अनलिंक करते हैं वीडियो मैं बना चुका हूं, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहे तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद में फोन पे को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों, फोन पे अकाउंट को परमानेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद में ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नीचे आपको अदर टॉपिक्स में प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है माय फोन पे प्रोफाइल का, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। माय फोन पे प्रोफाइल में आने के बाद में आपको नीचे ही नीचे लास्ट में माय फोन पे अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर में डीएक्टिवेट माय फोन पे अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप अपने फोन पे अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो आप परमानेंट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। परमानेंट डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू स्टॉप यूजिंग माय फोन पे अकाउंट परमानेंटली, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कई सारे रीजन आ जाते हैं। सो इन्हीं रीजन में से किसी भी एक रीजन को आपको यहाँ पे देना होगा, जिससे कि आप अपने अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थर्ड जो रीजन है इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई हैव अनदर फोन पे अकाउंट। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में फोन पे का दूसरा अकाउंट है, तो इसी रीजन के कारण मैं इस वाले अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ। इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे वो सारी जानकारी दी गई है जो कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दी है, जैसे कि अगर आपके फ़ोनपे वॉलेट में कुछ पैसे हैं तो उसे आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल को यहाँ पे लिंक कर रखा है तो उसे आपको अनलिंक कर लेना है। इसके बाद में जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट फोनपे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में अगर आप यहां पे कंफर्म है कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहां पे कंफर्म के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना होता है, जिससे कि आपका जो फोन पे अकाउंट है वो 3 दिन के अंदर परमानेंटली ही डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट करने के बाद में आपकी जो KYC है वो भी डिलीट हो जाती है। इस तरह से आप फोन पे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।